नमस्कार। आज की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है उसकी सीरीज में आप लोग दोबारा जब यहाँ पे आए हैं उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय कन्वीनर और दिल्ली के मुख्यमंत्री श्री अरविंद केजरीवाल जी इस पावन भूमि उत्तराखंड में हरिद्वार से जनता को, उत्तराखंड की जनता को अलग अलग मैसेजेस दे रहे हैं और ये मैसेजेस हैं किस प्रकार से उत्तराखंड के नवनिर्माण की परिभाषा आम आदमी पार्टी यहाँ पे उसकी रचना करना चाहती है। आज उसी सीरीज में सर दोबारा आप सबके जरिए उत्तराखंड की सारे समाज को अपना मैसेज कन्वे करेंगे। मैं सर से रिक्वेस्ट करूँगा कि आप अपना मैसेज दीजिए और उसके बाद में मीडिया से रिक्वेस्ट है आप कुछ सवाल सर से करें। आज मैं उत्तराखंड के जो कांग्रेस के वोटर्स हैं और जो कांग्रेस के सपोर्टर्स हैं और जो बीजेपी के वोटर्स और जो बीजेपी के सपोर्टर्स हैं उनसे अपील करना चाहता हूं। उन सब से मेरी अपील है कि आप जिस पार्टी में हैं उसी में रहें। हम आपको अपनी पार्टी छोड़ के आम आदमी पार्टी में आने को नहीं कह रहे। हमारी आपसे एक ही विनती है, उत्तराखंड की खातिर इस बार एक बार कांग्रेस वाले भी और बीजेपी वाले भी आम आदमी पार्टी को वोट दे देना। इस बार एक बार बीजेपी वाले भी और कांग्रेस वाले भी एक बार झाड़ू का बटन दबा देना उत्तराखंड की खातिर। मेरी कांग्रेस और बीजेपी के वोटर्स और सपोर्टर्स से अपील है, कांग्रेस के वोटर्स ने 10 साल कांग्रेस को दिए, इन 10 साल में आपको क्या मिला? क्या कांग्रेस ने उत्तराखंड के लिए कुछ किया? क्या कांग्रेस ने आपके लिए कुछ किया? क्या कांग्रेस ने आपके परिवार के लिए कुछ किया? क्या कांग्रेस ने आपके बच्चों की शिक्षा के लिए कुछ किया? क्या कांग्रेस ने आपके घर के बच्चों को नौकरी दी? क्या कांग्रेस ने आपके इलाके में स्वास्थ्य सुविधाएं इंतजाम किया? अगर नहीं किया तो कांग्रेस को वोट देने से क्या फायदा? फिर भी मैं आपको ये नहीं कह रहा कि आप कांग्रेस छोड़ के आम आदमी पार्टी में आओ। आम आदमी पार्टी एक नई पार्टी है, आपने 10 साल कांग्रेस को दिए और 5 साल भी दे दोगे तो कोई फायदा नहीं है। ढर्रा वैसे का वैसे ही चलेगा जैसे अभी तक चल रहा था, वैसे ही चलनी है सरकार, वैसे ही चलना उत्तराखंड अगर कांग्रेस आ गई तो। तो हमारी आपसे विनती है, आम आदमी पार्टी एक नई पार्टी है, नए चेहरे हैं, नई सोच है, नया सीएम चेहरा है, ईमानदार सीएम चेहरा है, दिल्ली में काम करके दिखाया है। आम आदमी पार्टी के पास नए नए आइडियाज हैं, एक पूरा उत्तराखंड को विकास करने का एजेंडा है। हम गांव गांव तक स्वास्थ्य सेवाएं पहुंचाएंगे। जब हम गांव गांव तक स्वास्थ्य सेवाएं पहुंचाएंगे उसमें कांग्रेस वालों का भी फायदा होगा, उनके परिवार वालों का भी इलाज मिलेगा उसमें। हम गांव गांव तक शिक्षा देंगे, स्कूल पहुंचाएंगे, सरकारी स्कूल अच्छे करेंगे जैसे दिल्ली में किए, उसमें कांग्रेस वालों के बच्चों का भी फायदा होगा, कांग्रेस के बच्चों का भी इलाज होगा, वो उनको भी शिक्षा मिलेगी। हम बच्चों को रोजगार देंगे, बेरोजगार बच्चों को बेरोजगारी भत्ता देंगे, कांग्रेस के बच्चों को भी मिलेगा। हम बिजली 24 घंटे करेंगे, कांग्रेस के हमारे जो साथी हैं उनके घर में भी बिजली 24 घंटे जाएगी। तो मेरी कांग्रेस के सभी वोटर्स और सपोर्टर्स से अपील है कि एक बार इस बार उत्तराखंड की खातिर आप आम आदमी पार्टी को वोट दे दो। इसी तरह से मेरी भाजपा के सभी वोटर्स और सपोर्टर्स से अपील है कि आपने भाजपा को 11-12 साल दिए, अभी तक भाजपा ने कुछ किया आपके लिए? इस बार तो 3 मुख्यमंत्री और बदल दिए, जब मुख्यमंत्री बार बार बदलेंगे तो क्या काम होगा? आपके परिवार के लिए कुछ किया हो भाजपा ने, आपके बच्चों के लिए कुछ किया हो, उत्तराखंड के लिए कुछ किया हो? कुछ भी तो नहीं किया। आपके इलाके में अच्छे स्कूल बना दियो, अच्छे अस्पताल बना दियो, कुछ भी तो नहीं किया। उनको 5 साल और दे दो, ढर्रा वैसे का वैसे ही चलेगा, कुछ नहीं बदलना।
अभी तक जैसे चल रही है सरकारें वैसे ही चलेंगी, वैसे ही भ्रष्टाचार चलेगा, वैसे ही लूट चलेगी, वैसे ही कुछ नहीं होना। आम आदमी पार्टी नई पार्टी है, नए चेहरे लेके आई है, नए सोच लेके आई है, इसीलिए हमारे पास पूरा एजेंडा है उत्तराखंड के लिए कि हम उत्तराखंड में सरकारी स्कूल अच्छा करना चाहते हैं। दिल्ली में करके आए हैं, जैसे दिल्ली में किए, हम गांव-गांव तक स्वास्थ्य सेवाएं पहुंचाएंगे, फ्री में सबका इलाज करेंगे, उत्तराखंड के सब लोगों का इलाज फ्री में होगा, 24 घंटे बिजली करेंगे। उसमें भाजपा के कार्यकर्ताओं को, भाजपा के सपोर्टर्स को, भाजपा के वोटर्स को भी ये सारी सुविधाएं मिलेंगी। तो मेरी ये आज प्रेस कॉन्फ्रेंस के ज़रिए मैं केवल और केवल बीजेपी और कांग्रेस के वोटर्स और सपोर्टर्स को अपील करना चाहता हूं कि उत्तराखंड की खातिर, देश की खातिर एक बार, कोई फ़र्क नहीं पड़ता इतने मौके आपने दिए, एक बार आम आदमी पार्टी को मौका दें। हमारा आपको वादा, इन दोनों पार्टियों ने मिलकर, कांग्रेस ने और बीजेपी ने, दोनों ने मिलकर 21 साल में 72,000 करोड़ रुपए का कर्जा चढ़ा दिया उत्तराखंड के ऊपर, इसकी जवाबदेही तो उनसे लेनी चाहिए। हमारा आपको यकीन दिलाते हैं कि 5 साल के अंदर पिछला कर्जा भी माफ वो कर देंगे, ख़त्म, प्रॉफिट में सरकार को ले आएंगे और इतनी सारी सुविधाएं देंगे। हम दिल्ली में करके दिखाया हमने, हम कर सकते हैं। अगर आपके कोई प्रश्न है तो आप बताइए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल पार्लियामेंट में कहा है कि कांग्रेस वाले और आम आदमी पार्टी वाले दिल्ली में जो प्रवासी उत्तराखंड के थे, उत्तर प्रदेश के थे, बिहार के थे, उनको सबको भगा रहे थे और टिकट फ्री दे रहे थे और उनकी लापरवाही से कोरोना जो है उत्तर प्रदेश में पहुँच गया, जबकि वो इन प्रदेशों में ना जाता है। दिल्ली में केजरीवाल की सरकार, आम आदमी पार्टी की सरकार ये गलत स्टेप ना उठाती और प्रवासी मजदूरों को भगा दी। उसके बाद योगी जी ने भी बोला था, वो भी एक साथ ही कर दो। योगी जी ने भी कहा सुनो केजरीवाल, आपका सुनो योगी, आप नेता और पूर्व शासक भी कहा है। हम लोग जितने लोग जिम्मेदार पोजीशंस पे बैठे हैं, मैं हो गया, प्रधानमंत्री जी हो गए, योगी जी हो गए, जनता ने हमें चुन के भेजा है, बड़ी उम्मीदों से चुन के भेजा है कि हम जनता के लिए कुछ काम करेंगे। हम लोगों का आपस में इस तरह से तू तू मैं करना अच्छी बात नहीं है, हम लोगों का आपस में इस तरह से गाली गलौज करना अच्छी बात नहीं है, हम लोगों का आपस में इस तरह से आरोप प्रत्यारोप करना, फिंगर पॉइंटिंग करना अच्छी बात नहीं है। जनता, हम चाहे अलग अलग पार्टियों के, चाहे जो भी हो, अलग अलग आइडियोलॉजीज के हों, जो भी हों, जनता उम्मीद करती है कि हम सारे मिलके लोगों के लिए काम करेंगे। कल जब इन लोगों के मेरे खिलाफ बयान आए तो मैं भी काफ़ी आश्चर्यचकित रह गया, कोई उसका प्रोवोकेशन तो था नहीं, कोई ज़रूरत तो थी नहीं, कोई मुद्दा तो था नहीं, दोनों ने मुझे अटैक किया, उसका एक बार जवाब देना ज़रूरी था, नहीं तो आप लोग कहते जी कबूल कर लिया आपने अपना गुनाह, तो एक बार जवाब देना ज़रूरी था। जो मुझे कहना था मैंने ट्विटर पे कह दिया, इससे फालतू मैं कुछ नहीं बोलूँगा, मेरे को गाली गलौज नहीं करनी आती, मेरे को तू तू मैं नहीं करनी आती, मेरे को स्कूल बनाने आते हैं, अस्पताल बनाने आते हैं, बिजली देनी आती है, पानी देना आता है, जनता का काम करना आता है, जनता के मुद्दों पे काम करता हूं मैं, इससे फालतू तो मेरे को कुछ नहीं कहना। जो मुझे कहना था मैंने कह दिया। एक मिनट, ना ना, मैंने जो कहना था बस कह दिया। पलायन, बेरोजगारी सभी पार्टियों के मुद्दे हैं, आपके भी हैं, जंगली जानवर पहाड़ों में फसलों को नष्ट कर रहे हैं, मैदान में भी कर रहे हैं हाथी बंदर, तो इसको पलायन बेरोजगारी को रोकने का हमारे पास विजन क्या है? पलायन मोटे मोटे तौर पे 3 चीज़ों की वजह से हो रहा है। गांव-गांव के अंदर स्वास्थ्य सेवाएं नहीं है, गांव-गांव के अंदर शिक्षा की कोई व्यवस्था नहीं है और बच्चों के पास रोजगार नहीं है, ये 3 चीज़ें हैं। इन तीनों चीज़ों को हम सक्सेसफुली दिल्ली में सफलतापूर्वक हमने एड्रेस किया है। दिल्ली में शानदार सरकारी स्कूल बनाए, नए स्कूल भी बनाए, पुरानों को ठीक किया, सारी यहाँ भी करेंगे, हमें करना आता है, हमारी नीयत भी है, जितने मौजूदा सरकारी स्कूल हैं उनको ठीक करेंगे, जिन जिन गांव में स्कूल नहीं है वहाँ या तो नए स्कूल खोलेंगे या बसें लगाएंगे, अच्छे सरकारी स्कूल बना के 5-7 गांव के बीच में एक स्कूल बना दिया, वहाँ से बसें लगा के और वहाँ पे स्कूल में ले आए बच्चों को, इसका पूरा खाका इन्होंने तैयार किया हुआ। इनसे मेरी बहुत लंबी लंबी चर्चाएँ हुई हैं, तो सरकारी स्कूल अच्छे करेंगे, शिक्षा अच्छी करेंगे। दूसरा, स्वास्थ्य सेवाएँ, जैसे मोहल्ला क्लिनिक वहाँ पर दिया बनाए हैं, उसी किस्म के क्लिनिक अगर हर गांव में बनाए जाएं और उस क्लिनिक के अंदर बेसिक चीज़ें सारी हो, दवाइयाँ, टेस्ट, सबकी सुविधा हो, अगर कोई किसी को सीरियस बीमारी हो गई, मान लो
प्रसव हो गया, अचानक पेन हो गया, तो वो मोहल्ला क्लिनिक जो है फिर एम्बुलेंस खूब सारी खरीद लेंगे, वो तुरंत एम्बुलेंस को फ़ोन करेगा, एम्बुलेंस जाएगी उस गांव में और उसको लेके एक बड़े अस्पताल में आ जाएगी। तो एक नेटवर्क बनाएंगे पूरा इसका, स्वास्थ्य सुविधाओं का। और तीसरा है रोजगार। रोजगार में आज सरकारी नौकरियों में बहुत ज़्यादा भ्रष्टाचार है, बिना पैसे के बिना सिफारिश के नौकरियाँ नहीं मिलती। सरकारी नौकरियों से भ्रष्टाचार खत्म करेंगे, भाई भतीजावाद खत्म करेंगे और बच्चों को ईमानदारी से नौकरियां मिलनी चालू होंगी। 1,00,000 नई सरकारी नौकरियां बच्चों को देंगे, उसमें जो पुरानी वैकेंसीज हैं वो भरेंगे और नई वैकेंसीज, इतने स्कूल बनाएंगे, अस्पताल बनाएंगे, मोहल्ला क्लिनिक बनाएंगे, डोर स्टेप डिलीवरी करेंगे, तो नई कई सारी पोस्टें निकलेंगी। लगभग 1,00,000 के करीब हमारी कैलकुलेशन है नई पोस्टें निकलेंगी। इसके अलावा बहुत बड़े स्तर के ऊपर टूरिज्म को बढ़ावा देंगे, उसका भी इन्होंने, वो जो हमने कहा है कि अंतर्राष्ट्रीय आध्यात्मिक राजधानी बनाएंगे, उसमें हजारों हम रोजगार तैयार होने का हमारा पूरा प्लान है, जिससे बच्चों को यहीं पे रोजगार मिलेगा। हमारी तो उम्मीद है कि मौजूदा बच्चों को ही नहीं मिलेगा, जो बच्चे छोड़ के चले गए वो भी शायद वापस आ जाएं। केजरीवाल जी, उत्तराखंड के परिप्रेक्ष्य में गैरसैंण राजधानी का एक महत्वपूर्ण स्थान है, क्योंकि जब उत्तराखंड आंदोलन था तो परिकल्पना में यही था कि एक पर्वतीय राज्य की पर्वतीय राजधानी होनी चाहिए, लेकिन अभी संबल कैपिटल बना दी गई है गैरसैंण। इस पे आम आदमी पार्टी का क्या है? इस पे मैं इनको बोलूंगा, ये आपको संक्षेप में बताएंगे। देखिए, गैरसैंण तो सबसे बड़ा मुद्दा था जब उत्तराखंड आंदोलन हुआ था उसमें, कि गैरसैंण मतलब पहाड़ में राजधानी बननी चाहिए, और गैरसैंण का तो सिलेक्शन ही इसलिए हुआ था क्योंकि गढ़वाल और कुमाऊं दोनों के बीच से ये जगह बन रही थी और वहाँ पे अप्रोच भी आसान थी। हम इस प्लान को ऐसे लेके चल रहे हैं, खाली यही नहीं कि गैरसैंण राजधानी बनेगी, मतलब समर विंटर वाली बात नहीं कर रहे, परमानेंट राजधानी बनेगी, लेकिन साथ में हमारे प्लान में ये है कि गैरसैंण और भरारीसैंण खाली उस जगह में अगर हम बोले राजधानी बन जाए तो पॉसिबल नहीं है। तो क्या होगा, गैरसैंण और उसके आसपास का 30 किलोमीटर का जो इलाका है उसकी हम मैपिंग कर रहे हैं कि जो सड़कें हैं जहाँ पे कौन सी जमीन ये अपना राजस्व वाली है, कौन सी जमीन फॉरेस्ट लैंड है, कितनी जमीन अवेलेबल है, फिर हम मैपिंग कर रहे हैं कि कौन कौन से डिपार्टमेंट ऊपर जाएंगे। खाली ऐसा नहीं है सचिवालय चले जाएगा, पुलिस हेडक्वार्टर को भी जाना है, हेल्थ वालों को भी जाना है, फॉरेस्ट वालों को भी जाना है, PWD को भी जाना है, इनमें से कौन से वो डिपार्टमेंट हैं जो नज़दीक होने चाहिए सचिवालय के, जिनका सबसे ज़्यादा मूवमेंट होता है सचिवालय, और उस 30 किलोमीटर के इलाके में ये कहाँ कहाँ पे डिपार्टमेंट बनेंगे। उसके बाद में आ जाता है फाइनेंशियल इम्प्लीकेशन, और फिर आ जाता है प्रायरिटी वाइज कैसे इनको शिफ्ट करा जाएगा। टेम्प्रेरी शिफ्टिंग होगी अपने जैसे क्यूबिकल्स होते हैं उसमें, और फिर उसके बाद में परमानेंट कंस्ट्रक्शन होगा। अगर इस तरीके से कोई भी प्लान करें तो मेरे को लगता है गैरसैंण तो एक पहाड़ का सबसे बढ़िया टाउन प्लानिंग के हिसाब से एक मॉडल सामने होकर के आएगा। इस पे हमारी कार्रवाई चल रही है। सर, आपसे एक क्वेश्चन, निकल भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय प्रवक्ता है डीके जी, उन्होंने कहा कि किसानों को सभा करते हैं कि वोट उसे दे जो किसानों के हित की बात करें, लेकिन आपके मैनिफेस्टो में और आपने उनका जिक्र किया किसानों के, उनके लिए आप क्या करेंगे? किसानों के जितने भी मुद्दे हैं उन किसानों के साथ बैठ के, ऐसा नहीं कि मैं अभी कुछ ऐलान कर दूं कि हम ये करेंगे और किसानों की सारी समस्याएं सॉल्व हो जाएंगी। जब हमने दिल्ली में सरकार बनाई थी हमें तो शिक्षा का कुछ पता ही नहीं था, हमें तो अस्पतालों का कुछ पता ही नहीं था, लेकिन उन लोगों के साथ हम बैठे और उनके साथ बैठ के हमने सारे मुद्दे सॉल्व किए। किसानों के साथ बैठ के भी हम सारे मुद्दे सॉल्व करेंगे। किसानों की मांग है कि MSP दी जाए, जैसे सबसे बड़ी मांग है, केंद्र सरकार से उनकी अपेक्षा है कि वो MSP दे। केंद्र सरकार जब तक नहीं देती हम कोशिश करेंगे कि MSP राज्य सरकार द्वारा दी जा सके, इसका पूरी प्लानिंग चल रही है। और भी उनके जितने भी, इस बार खाद की बहुत बड़ी प्रॉब्लम हुई थी, खाद लोगों को टाइम पे नहीं मिली थी, तो जितने भी मुद्दे हैं किसानों के साथ बैठेंगे, हमारी नीयत साफ है, तो किसानों के साथ बैठ के उनके सारे मुद्दों पे समाधान करेंगे। अगर आज कांग्रेस और बीजेपी पार्टी के सपोर्टरों की जरूरत पड़ गई तो सेंध लगाने की बात की जा रही है? नहीं, देखो जी, हमारी तो नई पार्टी है, हमारे पहले सारे कांग्रेस और बीजेपी वाले ही थे। नहीं, सुनो, तो सारे वही थे। तो अब जब से हमने प्रचार शुरू किया, इसमें से कई लोग आम आदमी पार्टी की तरफ आ गए, तो अब जितने बचे हैं उनको आज मैं अपील कर रहा हूँ, भाई आप भी आ जाओ, पार्टी छोड़ने की जरूरत नहीं है, एक बार वोट दे दो। मैं आपको यकीन दिलाता हूँ, एक बार मौका दे दो उत्तराखंड के अंदर, 5 साल के बाद कोई कांग्रेस में नहीं बचेगा और कोई बीजेपी में नहीं बचेगा, अपने आप स्वतः
सारे आम आदमी पार्टी की तरफ आ गए। तो आज ऐसा महसूस क्यों हुआ? नहीं आज नहीं, सीरीज ऑफ पीसीज हैं। एक एक दिन एक मुद्दा उठाते हैं, एक दिन एक वहाँ से हजारों की तादाद में आ रहे हैं, यहाँ से एक दो कोई छोड़ के गए होंगे। सबूत दे दो। एक आरोप तो देखो जो कोई भी लगा सकता है, जिसको टिकट, एक मिनट, एक एक करके उनका जवाब छोड़ दूं मैं। सर एक ही सवाल है। हाँ बताओ। जो आपका कुंबा है सर, ये तो बनने से पहले भी खड़ा चला जा रहा है। आपके प्रदेश उपाध्यक्ष जगमोहन जी हो गए, चाहे संजय भट्ट हो गए, दुनिया भर के लोग हजारों इस्तीफा दे दिया। कल संतोष अग्रवाल जो नेता के जिलाध्यक्ष है, उन्होंने भी मोहनिया जी पे बकायदा आरोप लगाया, एक मीडिया पे पत्र दिया कि भाई टिकट बेचे गए हैं दुनिया भर के। तो जब इस तरह की चीजें हो रही है सर, तो ये कैसे सरकार बन रही है? हर पार्टी में होता है। सुनो एक बारी मेरी पूरी बात सुन लो। एक कंस्टिट्यूएंसी में तीन टिकट के दावेदार हैं, एक को टिकट मिलती है, दो को नहीं मिलती। अब जिन दो को नहीं मिलती उसको उनको पार्टी बिठा के मनाती है, यार मान जाओ कोई बात नहीं, एक को ही टिकट मिलनी थी, बाकी को तो नहीं मिल सकती, पार्टी के साथ काम करो। कुछ लोग मान जाते हैं, कुछ लोग नहीं मानते। तो जब वो छोड़ते हैं, कोई कहता है टिकट बेच दी, कोई कहता है पार्टी में तानाशाही हो गई, कोई कुछ कहता है, कोई कुछ कहता है। मैंने ओपन चैलेंज किया हुआ है, हमको टिकट बेचने का या खरीदने का सबूत दे दो। शाम तक पार्टी से केवल नहीं निकालूंगा, जहन्नुम तक पीछा करूंगा उसका, उसको छोड़ने वाला नहीं मैं जिंदगी में। एक मिनट सुनो, एक मिनट सुन लो, अब सुनने की भी काबिलियत रखो। छोड़ूंगा नहीं मैं, कुछ भी हो जाए मैं भ्रष्टाचार बर्दाश्त नहीं कर सकता। अपने मंत्री को निकाल दिया था कैबिनेट में मैंने, दिल्ली में। एक छोटा सा सबूत आया था मेरे पास, अगर किसी ने टिकट बेची और किसी ने टिकट खरीदी हमारी पार्टी के अंदर, उसको जेल भिजवा के रहूंगा मैं, उसको केवल पार्टी से नहीं निकालूंगा। बाकी ऐसे राजनीतिक तौर पे तो आरोप प्रत्यारोप चलते ही रहते हैं। केजरीवाल जी, उत्तराखंड में मामला उठा है मुस्लिम यूनिवर्सिटी का, कि कांग्रेस के एक जो है बागी नेता ने आरोप लगाया कि मुझे हरीश रावत ने देखो जी, जो भी यूनिवर्सिटी बने सबके लिए बननी चाहिए, कोई एक धर्म के नाम पे या इस पे नहीं होना चाहिए, सबके बच्चे पढ़े हैं। जैसे मैंने कहा हम स्कूल बनाएंगे, उसमें मुसलमानों के बच्चे भी पढ़ेंगे, हिंदुओं के बच्चे भी पढ़ेंगे, सिखों के भी पढ़ेंगे, जैनियों के भी पढ़ेंगे, क्रिश्चियन, सबके बच्चों के लिए यूनिवर्सिटी बननी चाहिए, सबके लिए कॉलेज बनना चाहिए, सबके लिए वो बनना चाहिए। सर कल फाइनल था ये कल का, जिसमें पंजाब में अधिकतर सर्वे में आपकी सरकार बन रही है या आप सबसे बड़ी पार्टी बन रहे हैं, लेकिन उत्तराखंड के लिहाज से तीन सीटें ही नजर आती हैं। फाइनल ओपिनियन पोल में भी ये स्थिति है जो बढ़कर नजर नहीं आ रही। तो एक तो अच्छी खबर है, खुशखबरी है, अभी पंजाब में सरकार बन रही है। तो मेरी उत्तराखंड की जनता से अपील है कि पंजाब में भी बन रही है, पंजाब के लोग भी भरोसा कर रहे हैं, आप भी बनाओ। लेकिन उत्तराखंड में हमारा ये पहला चुनाव है, पंजाब में ये दूसरा चुनाव है। पंजाब में एक तरह से तीन चार चुनाव के डेटा है। जब भी एक नई पार्टी आती है, उस नई पार्टी के वोट्स का आकलन करना बहुत मुश्किल होता है। मैं दिल्ली का एग्जांपल देता हूं। दिल्ली में जब हम पहली बार 2013 में चुनाव लड़े थे, 8 दिसंबर को चुनाव था, नवंबर के महीने में जो सर्वे आए, वो सर्वे दिखा रहे थे हमारा 6% वोट शेयर है, एक भी सीट नहीं आ रही, सारों की जमानत जब्त हो रही है। ये सर्वे नवंबर के एक महीना पहले, उसके बाद हमारी सरकार बन गई, 28 सीट आई, 28 सीट के बाद सरकार बन गई। तो जो भी नई पार्टी होता है उसका वोट आंकलन करना बड़ा मुश्किल होता है। यहाँ पे कल कुछ एक मीडिया के साथी थे, जब इंटरव्यू कर रहे थे बोले जी आपकी 10 आ रही है हमारे हिसाब से। चलो 10, मैंने कहा यार दिल्ली में तो एक भी नहीं दे रहे थे, आप 10 से शुरू तो कर रहे हो एक नई पार्टी को, आप कह रहे हो 4 आ रही है, इंतज़ार कीजिए। आज उत्तराखंड के अंदर लोगों को, मैं आपसे पूछता हूँ कि कोई कांग्रेस को वोट क्यों दे, उनका एजेंडा क्या है? कोई एजेंडा नहीं है। आज बीजेपी को कोई वोट क्यों दे, उनका एजेंडा क्या है? कोई एजेंडा नहीं है। वो ये थोड़ी कह रहे हैं हम स्कूल बनाएंगे, अस्पताल बनाएंगे, हम ये कर, हमारा एजेंडा है। हम कह रहे हैं हम आपकी बिजली ठीक कर देंगे, गांव गांव तक स्कूल पहुंचा देंगे, गांव गांव तक स्वास्थ्य सेवाएं पहुंचा देंगे, महिलाओं को 1000-1000 रुपए देंगे, इतना लंबा चौड़ा एजेंडा है हमारा, सैनिकों के लिए भी है। तो कोई हमें ही वोट देगा, दूसरों को क्यों वोट देगा, अगर उसने अपने भविष्य का और अपने बच्चों के भविष्य का सोचना है तो। आखिरी क्वेश्चन है जी, दिल्ली में देंगे जी, ये जो पूरा महिलाओं वाली स्कीम है, ये अभी जब चुनावों का प्रचार कर रहे थे उस टाइम जनता के बीच से किसी ने बताई और हमें बहुत अच्छी लगी कि इससे महिलाओं का सशक्तिकरण हो सकता है। तो अभी इसको चुनाव प्रचार में इस्तेमाल कर रहे हैं, पर दिल्ली के अंदर भी इसकी पूरी स्कीम ला रहे हैं। हैं उसको
तनख्वाह नहीं दे पा रहे हैं, वो प्रचार के लिए उन्होंने महिलाओं को रखा और उनको पैसा नहीं दे पा रहे, वो परेशान होकर घूम रही है सड़कों। कौन नहीं दे पा रहा? आपका जो प्रत्याशी है, कौन सा प्रत्याशी नहीं दे रहा? मैं दिला दूंगा, मेरे को बता दो कौन सा नहीं दे रहा। मेरे सुझाव है, अगर थोड़े सीरियस क्वेश्चंस पे रखेंगे तो उत्तराखंड का भी भला होगा। पंजाब में सिद्धू वर्सेस चन्नी, क्या कहेंगे इस पर? आगे सिद्धू को तो खुदा बिना ना वीजा में चलो। देखो, कांग्रेस तो आपस में लड़ रही है, वहां पे उम्मीद तो केवल एक ही पार्टी से, आम आदमी पार्टी, जो कि एक संगठित टीम की तरह सबके सामने है। केवल आम आदमी पार्टी पंजाब को भी भविष्य दे सकती है, आम आदमी पार्टी उत्तराखंड को भी भविष्य दे सकती है। आप सारे जने भी, अभी मैंने अपील की, आप सारे जने भी, जितने आप में से कांग्रेसी हैं, जितने आप में से बीजेपी वाले हैं, आप भी आम आदमी पार्टी को वोट देना, एक बार वोट दे दो और फिर देखो। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू।